अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अहमद रजा और आप देख रहे हैं मेरे नए YouTube चैनल आर रानी सागरी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम अपने लाइफ में एनी टाइम खुश कैसे रहें। हम अपने लाइफ में खुश रहना तो चाहते हैं लेकिन खुश रह नहीं पाते हैं। देखिए, होता क्या है कि खुशी को हम ज़्यादातर चीज़ों में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, बस इन्हीं चीज़ों में हम फंसे रह जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि खुशी का कनेक्शन हमारे माइंड से है या बाहर किसी और चीज़ से है? मैं कहता हूँ खुशी का कनेक्शन हमारे माइंड से है। अगर खुशी का कनेक्शन किसी और चीज़ से होती तो एक चीज़ किन्हीं दो लोगों को मिल रही है तो एक खुश हो रहा है, खुश हो रहा होता है और दूसरा उसी सिचुएशन में रो रहा होता है। एक मिलने से खुश हो रहा है और एक छूटने से खुश हो रहा है। एक शादी से खुश होता है और एक डिमोर्स से खुश होता है। मेरे भाई, अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो खुशी का कनेक्शन हमारे माइंड से है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कुछ आदतों को अपनाना पड़ेगा। पहला आदत यह है कि खुद को इम्पोर्टेंट देना। जब तक आप खुद को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो दुनिया आपको कभी इम्पोर्टेंट नहीं देगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हमें खुद के नज़रों में उठना पड़ेगा, खुद के नज़रों में उठना पड़ेगा। और दूसरा आदत ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप हेल्दी नहीं है तो अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए डेली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारे शरीर और माइंड दोनों स्वस्थ रहते हैं और हमें अंदर से खुशी महसूस होती है। और तीसरा आदत यह है कि अपने रब के सिवा किसी से उम्मीद ना करें। और आप बाहर से दिखने में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये बात तय है कि दुनिया आपके उम्मीदों को तोड़ेगी। इसलिए उम्मीद करना है तो अपने रब से करें। और चौथा आदत यह है कि अपने दिल का राज किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप लोगों के सामने शेयर करते हैं तो लोग आपके मजाक उड़ाएंगे, आपके पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अगर शेयर करना है तो अपने अल्लाह के सामने शेयर करें। और पांचवा आदत यह है कि अपने स्ट्रेस को कम करना सीखें। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपने लाइफ में एनी टाइम खुश रहें। मतलब जो भी आप काम करें खुश होकर करें। अगर पूरी दुनिया क्या करती है कि खुश होने के लिए काम करती है कि मैं ये करूँगा, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये कंसेप्ट गलत है मेरे भाई। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप काम ही करें खुश होकर। जब आप खुश होकर काम करेंगे तो दुनिया का आप कोई भी काम करेंगे, छोटे से छोटे या बड़ा से बड़ा काम, कोई भी काम करेंगे तो उसमें एक प्यार होगा, उसमें एक नशा होगा, उसमें एक मज़ा होगा, मस्ती होगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने लाइफ में एनी टाइम खुश रहने वाला बना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दिल से मेरे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे नए YouTube चैनल
आर रानी सागरी को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें और इसका जवाब देने का मैं पूरा पूरा कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।